अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हिंसक प्रदर्शनों को घरेलू आतंकवाद करार दिया है और साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की सड़कों पर सेना की तैनाती की धमकी दी है। इस बीच अमेरिका के 23 राज्यों में 17,000 नेशनल गार्ड की तैनाती की गई है। वहीं नेशनल गार्ड को हिंसा रोकने के साथ साथ राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि मैं कानून व्यवस्था वाला राष्ट्रपति हूं, हिंसा लूटपाट बर्बरता हमले और अपमान को रोकने के लिए हजारों सशस्त्र सैनिकों को भेज रहा हूं। सैन्यकर्मी उन लोगों पर कार्रवाई करेंगे जो संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं।